नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया की खास पेशकश। आइए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में एसडीएम टीआर नाग, एसडी ओपी शिवचरण बोहित, थाना प्रभारी मदनलाल मरावी, पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीएमओ डॉक्टर वीके जैन की उपस्थिति में पाली में संचालित फर्जी झोला छाप डॉक्टर रविन्द्रनाथ राय की क्लिनिक में ताला लगाया गया। बता दें कि लगातार झोला छाप डॉक्टरों को लेकर पाली एसडीएम के द्वारा कार्रवाई की जा रही। लगातार शिकायत प्राप्त होने के बाद एवं खबरें प्रकाशित होने के बाद एसडीएम ने मामले में संज्ञान लेते हुए ऐसे फर्जी क्लिनिक एवं झोला छाप डॉक्टरों की दुकानों में ताला लगाने का काम किया। जबकि पाली मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वीके जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि जांच के दौरान होम्योपैथी की डिग्री पाई गई, लेकिन पूरी दवाई एलोपैथी होना पाया गया, जिसको लेकर झोला छाप डॉक्टर की क्लिनिक सील की कार्रवाई की गई। शासन से निर्देश प्राप्त हुए कि शहर में और गांव में जो झोला छाप डॉक्टर हैं और जो रजिस्टर्ड हैं और उसी पद्धति में यदि चिकित्सा करते हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जो जिस पद्धति में रजिस्टर्ड हैं और उसके अलावा दूसरी पद्धति से इलाज कर रहे हैं तो उनके पर कानूनी कार्रवाई होगी, उनकी क्लिनिक सील की जाएगी। अब इनके केस में इनके पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी, तो इससे इनको ट्रीटमेंट करना है। पर जब क्लिनिक का देख रेख किया गया तो इनके पास इलेक्ट्रो होम्योपैथी का डिप्लोमा पाया गया, परंतु इनके पास चिकित्सा संबंधी सारी दवाइयां एलोपैथी की पाई, इस पर क्लिनिक की भी कार्रवाई हुई।